सो गाइस, मैं लेके आई हूँ करी नूडल्स। मैंने वृद्धि के घर खाए थे और मुझे लॉर्ड्स पे भी दिख गए, बहुत टेस्टी। तो बनाते हैं फटाफट से और आप लोगों को दिखाती हूँ, एंड मेरे कहने पे ज़रूर खरीदना। चलो खाते हैं। सो ये बहुत टेस्टी। और मेरे को ना एक डाउट हो रहा था कि पता नहीं ये वेज है या नहीं, और ये वेज ही है। चलो बनाएं। सो इसकी शेप कुछ ऐसी सी होती है, और ये रहा मसाला। सुपर यम्मी, स्पेशली फॉर स्पाइसी लवर्स। स्पाइसी एंड चाइनीज लवर्स। फटाफट जाके नहा लो, नाश्ता तैयार है। रात को क्या थी, ना के सो जाता, इतनी जल्दी भी ना पड़ती तेरे को कहने की। 10 बज रहे हैं, 10 बजे भी तुम्हें नहाओगे नहीं क्या? खाटरे में गल्ले रहोगे। एक रात पहले ही कह रहा हूँ, ना के सो जाता। दुनिया के घाम लाग ली, तुम मत लगने दो। हाँ तेरे लाग गई? मेरे तो लाग गई। तेरे तो पूरी भी ना लग गए, 2-3 बार में लगेगी। हाँ अब नाश्ते में बर्गर बना रही हूँ मैं, फटाफट खाओ। ये आटा भी छान के डालना है मुझे अभी। अभी एसी मत चलाओ, मैं जरा चाय वाय पी लूँ, उसके बाद आटा छानूंगी। चला दिया एसी। तो एक काम कर, तू अपनी चाय बना ले, मेरी वाय बना दे। बस चौथी चाय है तुम्हारी, खुद बना लो। मैंने वाय खाया, तू ही तो कह रही चाय वाय। चाय अपनी बना ले, वाय मेरी बना दे। वाय मुझे नहीं आती तुम्हारी बनाने। तू कैसे बनाएगी? तू नहीं तो कहा चाय वाय पी लूँ। बढ़िया, एसी चला चला के बिल फूकते रहेंगे। तो चाय मेरी बना दे, वाय तू अपनी बना दे। ये एसी का बिल बचा के मुझे ही नोट दे दो। कितने लूटती है, कम है वो? अच्छा, और तुम लूट जाते हो। हाँ। शरीफ बन के थोड़ी बहुत तो शलगम करा कर। तो धनिया पुदीना चूट लो, चटनी पिसनी है। अरे एक बात बताऊं यार, धनिया 15 रुपए, वाशकूटपुर में 5 रुपए पाव। तुम्हारी शक्ल पे 5 रुपए पाव दे देगा। मैं तो 20 बार गई हूँ, मेरे को तो पूरी महंगी सब्जी मिलती है। शक्ल नहीं देखी, उन्होंने माइक लगा रखा था, उस पे बोल रहे थे, ऑटोमेटिक वो स्पीकर सा होता है ना। हाँ अगर मेरी शक्ल देख लेते तो 2 रुपए पाव ही दे देते। मैं वही कह रही, निक्कू गहरा गहरा, मम्मी तुम तो कहीं भी जाओ तुम्हारी शक्ल पे तो रेट बढ़ जाते हैं उसके, सब्जी वालों के भी। सब्जी वाले कोई कसूर नहीं है, उनको पता है ये फैमिली टैग देख के सामान लेती है। अब भगवान ने पता नहीं क्या सिस्टम बनाया, नहीं बनाया, सब्जियों पे टैग नहीं लग पाते। पता नहीं, मैं तो सब्जी लेने जाती हूँ, मुझे तो शकरपुर में वही रेट मिलता है सब्जियों का, इतना महंगा। 2-3 बार गई हूँ मैं निक्कू के साथ, मैं तो यहाँ से ले लूँ वहाँ से ले लूँ। पर मैंने शक्ल नहीं दिखाई, दिखाते हुए कहते भाव जी 2 रुपए ही ले जाओ आप। चलो ये दिखा देते शक्ल, 5 रुपए में लुट के आए, 2 रुपए में मिल जाता। लेना ही नहीं था वहां से, लिया नहीं था, पहले ले चुका था यहाँ पे। गुड मॉर्निंग हो चुकी है, वेलकम टू अवर गोयल फैमिली लोग जो। और नाश्ता मैं बना चुकी हूँ, मैंने बनाए हैं बर्गर, और दोपहर के लिए बना दिए मैंने मसूर की दाल और चावल। और डिनर में देखेंगे क्या बनेगा क्या नहीं बनेगा। मीनू ने आना था लेकिन पता नहीं आएगी नहीं आएगी, कल आई नहीं बोल रही थी, आ जाऊँगी आज भी पता नहीं आएगी नहीं आएगी। तो फ्रेंड्स स्टार्ट कर लेते हैं आज का ब्लॉग। और जो भी लेडीज़ या गर्ल्स किसी भी एज ग्रुप की, कोई दिक्कत नहीं है, अगर जाना चाहे दीक्षा के साथ ट्रिप पे तो जा सकती है। वो लोग जा रहे हैं नैनीताल जा रहे हैं, स्विस करके कोई वो कैंप है, मतलब बहुत ही अच्छी जगह है। मेरे को थोड़ी पैर की प्रॉब्लम है इसलिए मैं नहीं जा पाऊँगी, लेकिन आप लोग चाहें तो इन्जॉय कर सकते हैं। फ्रेंड्स एक ही ज़िंदगी मिली है, जी लीजिए उसको अच्छे तरीके से। अगर आप जाना चाहें तो जा सकते हैं, क्योंकि कई बार क्या होता है साथ नहीं मिलता, इंसान जा नहीं पाता। जैसे पहले मेरा सर्कल नहीं था, मैं कहीं भी नहीं जाती थी, घर में ही पड़ी रहती थी बस घर के कामों में। अब मैंने भी अपना सर्कल बना लिया है, थोड़ा सा घर से निकलना शुरू कर दिया है, तो आप लोग भी निकल सकते हैं। पति बच्चे सब यहीं रहेंगे, कहीं नहीं जाएंगे, घर के काम भी हम लोगों की जान को वैसे के वैसे ही रहेंगे। पर आप चाहें तो 1 या 2 दिन के लिए इंजॉय कर सकते हैं, आप जाना चाहें तो जा सकते हैं। सो आज है नाश्ते में बर्गर, और ये पता नहीं मिल्की मिस्ट की चीज़ स्लाइस लेके आए हैं। सारी चीज़ स्लाइस मुझे तो एक जैसी लगती है, कोई भी ले आओ। और मीनू दीदी आने वाली है, भावेश गया हुआ उनको लेने।
जी उठ के बैठ गई है मेरा काम बढ़ाने के लिए, अभी इनको नाश्ता दे रही हूँ मैं। बर्गर बनाए मैंने काम तो, बढ़ाने के लिए। वाह, शादी करते हुए भी सोच रहे थे काम बढ़ेगा। तो फ्रेंड्स ये टिक्किया रेडीमेड ले लिया मैंने, उनको तल रही हूँ, ये ले लिया बर्गर, ये रख दिया कढ़ाई और तवा रख दिया सेकने के लिए। तो दीक्षा जी खाएंगे अब टिक्की बर्गर। और फ्रेंड्स ये जग लेके आई हूँ, पहले एक जग टूट गया था, दूसरा जग लेके आई हूँ मैं इस पे बस। हाँ सास तो मना करती थी बेचारी, मेरी सास तो इतनी अच्छी थी कुछ कहती भी नहीं थी। सास को नीचे खड़ा हुआ था, क्या कहती? जैसी सास तो तुझे मिलेगी भी नहीं, इतनी बढ़िया थी मेरी सास। अम्मा यार हंस देती थी। हाँ चलो भैया टिक्की अभी लिखती, काम निपटा टिक्की निपट के। देखिए कैचअप रखी है, निकाल के दूं? अब फ्रेंड्स मेरे चाचा के पोते गए हैं शादी, तो जाना है शादी में, तीन दिन जाना है, 21, 22, 23 और 20 को मेरे को सामने शादी में जाना है, और 19 को मेरी खुद की किट्टी है, मुझे वहां जाना है। आप तो बिजी हो कल से? मैं बिजी हूँ, मेरी लड़की मेरा घर गृहस्थी अब संभालेगी। लड़की को ट्रेनिंग दे रही हूँ, अगले साल फ्रेंड्स इसकी शादी करनी है, क्योंकि इसी साल कर दो, इसी साल फ्रेंड्स कोई लड़का बता दो, वो कह रही है इसी साल कर दो, तो कोई लड़का बता दो इसके अभी लिए कर दो फटाफट, अभी कर दो फटाफट, मई में दीक्षा का बर्थडे है, तो फ्रेंड्स बर्थडे पे सब लोग इनवाइटेड हो, आ जाना। मेरे को दीक्षा ने इनवाइट नहीं करा, कहाँ क्या पार्टी दे रही है कुछ नहीं पता। मम्मी आप कितना घूमोगे वैसे लाइफ में, थके नहीं हो? दीक्षा कहाँ घूम रही हो? ओ तेरी इतनी बड़ी बड़ी टिक्की आए हैं, चलो भाई एंजॉय करते हैं। कितना घूमोगे नजर लगा दे तुम लोगों ने बोल बोल के मेरे को। मैं दिखाती हूँ आज बर्गर कैसे बनाए जाते हैं, किसी को पता थोड़ी ना बर्गर कैसे बनाए जाते हैं। हाय गाइस, दीक्षा कोहली के साथ आप सभी का स्वागत है दीक्षा किचन में। दीक्षा उठ चुकी है 3:30 बजे 3:30 बजे उठी है फ्रेंड्स। ये फ्रेंड्स क्या करेंगे, फ्रेंड्स कहेंगे राखी जी आपने बिगाड़ा हुआ है, भुगतो। मैंने क्या बिगाड़ा, जब मेरे सर पे डंडा रहता तो मैं क्या बोल सकती हूँ, की औलाद बताओ फ्रेंड्स सुनने वाली है? सही बात है, तो फिर मैं क्या कर सकती हूँ? बात तो राइट कही है आपने, पहली बार दो बर्गर के लिए 3 चीज क्यों निकाली है? Cheese is love. ये बता इसके अंदर क्या क्या मिला हुआ है? इसके अंदर ऑरिगेनो, चिली फ्लेक्स, मेयोनीज और एक और ऑरेंज वाली कोई सॉस, रेड वाली, नाम बता। नाम नहीं होता मुझे, क्या पता घर में कौन सी है? चपोतले मुझे पता ही नहीं, घर में बड़ी सारी सॉसेस हैं, उसमें से कोई भी मिला दी होगी, पता तो होना चाहिए। तू ये सिखा रही है बनाना, तो कोई तुझसे ये भी तो पूछ सकता है कि दीक्षा जी ये मिक्सचर किस चीज का है? किसी को मैंने मिक्सचर दिखाया ही नहीं। गाइस मेरा बर्गर हो चुका है रेडी। प्याज तो लगा? प्याज खाने का मन नहीं है, अभी कटी हुई खराब जाएगी। वाह लगा, माँ के हाथों में तो है ही स्वाद, माँ ने बनाई है। अपने मुंह में मिट्टू और दिले सॉस तो बच जाएगी, तू इतनी कम कम लगा रही है, सारी कटोरी पलट ले इसको। चाय बनाना एकदम स्वाद ऐसी कि मजा आ जाए। आई मैंने चाय से मेरे को याद आया गाइस, मम्मी ना अम्मा को चाय बना के देती थी, अम्मा को पसंद नहीं आती थी, अम्मा एलईडी नाली में फेंक देती थी। फिर मम्मी क्या करती थी, ताई आती थी शाम को ऑफिस से, फिर मम्मी ताई को गुस्सा करती थी कि भाभी जी मैं आगे से चाय नहीं दूंगी अम्मा को, मुझे इतना बुरा लगा मैंने चाय बना के दी और अम्मा ने नाली में फेंक दी। फिर ताई कहती थी ना नाली में थोड़ी फेंकी होगी,
तो मम्मी कहती थी और क्या देख लो वहां पड़ी है। फिर ऐसे करके हमारे घर में डिस्कशन चलता था चाय के ऊपर। चलो मेरे बर्गर हो गए रेडी। आ जाओ गाइस आप एक दिन आ जाओ आप लोग सब मेरे घर, मैं आपको खिलाऊंगी। खाट में तो छोड़ेगी नहीं, उठेगी नहीं, बना के खिलाएगी ये। अभी टिक्की खत्म हो गई फ्रेंड्स, अभी आना मत। प्रिया खा लिया? हाँ प्रिया खा गई है, ताई के लिए ले गई है। और फ्रेंड्स अभी मत आना, टिक्की खत्म हो चुकी है हमारे यहाँ। क्योंकि चाय एक बार 18-18 रुपए अलग कर दे। चाय? अरे दीक्षा नहीं रखी, रख ले, मेरी कल किट्टी है, मेरे को तैयारी करनी है। तो आपने चाय क्यों नहीं रखी पहले मुझे? तो फ्रेंड्स मेरी निकल गई है किट्टी, मैं कर रही हूँ गोला सिजलर रजौरी में। आ जाओ सारे, तो आ जाओ। मैं बोल रही हूँ कि आपने चाय क्यों नहीं रखी? मैं तेरे सामने बिंदु से बात नहीं कर रही थी किट्टी में जाने के लिए? दो चूल्हे भरे हुए थे, एक पे कढ़ाई थी, एक पे तवा। दो भरे हुए थे? पीछे मैं हाथ यू करके बनाते तो मेरा हाथ जल जाता। हमने आपको चार वाला किस लिए दिलवाया हुआ है? तो हाथ जल जाता है ऐसे करने की। आप चार गैस में फुर्ती से काम करो। अच्छा इसलिए दिलवाया हुआ है कि सिर्फ दो पे ही काम करो। अब पापा को बोल के चेंज करा के दो वाला करवाऊंगी। तू एक वाला ही करवा, शांति से बनेगा खाना आराम आराम से। फिर तो टिक्की तलेगी या बर्गर पाव सीखेंगे तेरे। आप बताओ फ्रेंड्स चार वाला दिलवाया हुआ है? आप बताओ फ्रेंड्स, आप बताओ, आप बताओ, आप बताओ। ये प्याज जी की जान ले लो, ये प्याज कब की काटी हुई है? ये प्रिया से अभी कटवाई है सुबह वाले के। ऐसी काटी है, गिली गिली हो गई। प्रिया ने काटी है ये। ये कैसी अच्छी लग रही है आपकी? कितनी पुरानी है? ये तो पुरानी है लक्षिता की। हाँ जी मरीज जी क्या हाल चाल है तुम्हारे? पहुंच गए ऊपर? ये कंडक्टर वाला बैग ले लिया। दीदी चाय पियोगे? पर दीदी और चाय हमारा कोई वो नहीं है, चीनी डाल दी मैंने। ये देखो मरीज के साथ साइड में बॉटल ले लग के आई है। क्या बताया डॉक्टर ने? इसका कोई लेना देना? गुगू का बैलून कहाँ गया? मुझे क्या पता यही कहीं होगा। सही सही बताओ गुगू का बैलून कहाँ है? फट गया दीक्षा। मम्मी आप सारे काम उल्टे क्यों कर रहे हो रोज सुबह? अरे पंखा चलाया मैंने, मुझे क्या पता बैलून है, वो भटपट में डर भी गई। घर में कोई उल्टा काम हुआ या फटाफट पंखा बंद कर एटीएम में वो फट गया। ना करा तो मम्मी ने करा होगा। बल्कि पंखे को चलने ही देती, वो बचा हुआ तो था। मम्मी पता है कितने का आया था? 60 रुपए का। तूने बत्ती दी थी 60 रुपए में? मैंने नहीं, आपने लाई क्यों थी? फोड़ा क्यों? मामा तो इतना बढ़िया लाए थे 30 रुपए का उन दिन वाला। कब? हम जब ये सोनिका के बर्थडे पे गए थे, देखे नहीं थे लाइटें वाले? नहीं 30 रुपए का तो बोल दिया। कौन से वाला? जो रेड लाइट पानी पानी में भी चाय पत्ती डालती, चाय क्यों निकलती है समझ नहीं आता मेरे को ये लॉजिक। तो इधर मिल रही पापा की चाय, इधर मिल रही मम्मी और दीदी की चाय, क्योंकि किसी की भी चाय का कोई भी मैचिंग नहीं है। दीदी 11 रुपए दे दो मेरे को भी, मैं बता दूंगी स्टोन नहीं है। अरे दीदी को हर आधे घंटे में बना के देते रहो कुछ ना कुछ पानी लिक्विड। पहले एक बार पहले डॉक्टर को तसल्ली से दिखा के आओ, फिर बात करेंगे। वो स्टोन निकल जाएगा, स्टोन के लिए बता रहा हूँ। स्टोन है नहीं है, हर आधे घंटे में बोला इन्होंने, हर आधे घंटे में पीना। कितने खाना? तू जा दीदी को लेके जाओ, जाओ दीदी बाय बाय। एक आधी ग्लूकोज चढ़वा के आ जाना, एनर्जी आ जाएगी। जल्दी आना, दरवाजे के पीछे वो टंगे हुए थैले उसमें। देखो आप के जाती, देखो लेटी है, देख रहे हो? बुड्ढा मरा खटोला मिला, वो वाली बात हो गई है। नीचे खटोला खाली है, वो तो अम्मा के साथ ही गया खटोला। वो अभी बहू को तो आने दे, फिर खटोला नीचे। बहू तो आ जाए, बिंदु यूं घूम के यूं आएगी। आपने अपने सास को नीचे पटका हुआ था, अब आप जाओ। हमने नहीं पटका, मेरी सास खुद रहती थी। भाई लोग इतना बोलते थे कि आपने रखा हुआ है, शर्म नहीं आती। आ जाएगी शर्म, थैली में पेपर।
इसको गन्ने का जूस पिलाएंगे, इसको बड़ा पसंद है। अच्छा, और शुगर क्या निकल रहे हैं हमारे ऊपर? शुगर की दवाई, गन्ने का जूस लिया तो दवाई लेनी है, गन्ने का जूस ला दे।